अब मल्टी सेक्शन में देखेंगे किस तरह से गाइड्स की मदद से हम किसी चीज को बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग अ सेक्शन हियर, यहाँ पे एक इस प्लेन पे एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ गाइड्स हम लोग सारे के सारे फेस अलग बना सकते हैं, जैसे कि नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्लेन। इस प्लेन पर भी हम लोग एक और अलग सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी, आई एम क्रिएटिंग अ स्मॉल रेक्टेंगल हियर, नाउ मूविंग आउट फ्रॉम हियर। नाउ अगर आप मल्टी सेक्शन देखें यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन होती है गाइड्स की, दैट मीन्स आप कितनी नंबर ऑफ आप गाइड्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग द गाइड हियर, देन हियर एंड देन हियर, व्हेन विद द हेल्प ऑफ गाइड्स विल बी मेकिंग अ सॉलिड। हम लोग विद गाइड्स की मदद से एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ लेट्स सी कैसे हम वो सब कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट मुझे यहाँ पर गाइड्स क्रिएट करने की जरूरत है, तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी गाइड बनाएं तो वो एक अलग स्केच हो। नाउ सी, मुझे अगर यहां से लेकर यहां पर एक गाइड बनानी है तो इसके लिए मुझे एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है। आई एम चूजिंग द प्लेन, ऑप्शन मेरे पास है प्लेन पासिंग थ्रू टू लाइंस, फर्स्ट लाइन इज दिस, अनदर लाइन इज दिस। ओके, मैं यहां पे जा रहा हूं एंड आई एम क्रिएटिंग अ गाइड है जो कुछ इस तरह से नजर आए। नाउ इफ यू सी, हल्का सा हिला रहा हूं इसको। नाउ आई वॉन्ट कि ये दो पॉइंट्स कनेक्ट होने बहुत जरूरी हैं, ये ध्यान रहे ये पॉइंट्स कॉन्साइड रहे, और आप इन पॉइंट्स को कॉन्साइड नहीं करेंगे तो आप गाइड को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ मूविंग आउट ऑफ हियर। नाउ अगर आप यहां देखें तो दिस इज स्केच थ्री, दिस इज स्केच वन, ये स्केच वन है, ये स्केच टू है, दिस गाइड इज स्केच थ्री। अब मुझे नई गाइड बनानी है, सेम प्लेन पे ही बनानी है, बट आप ध्यान रखें दैट शुड बी अनदर स्केच। यहां पिक किया, दोबारा प्लेन पिक कर रहा हूं, मूविंग है, तो अगर आप यहां देखें तो इट विल बिकम स्केच फोर। तो मैं यहां चाहता हूं स्केच फोर मेरी कुछ इस तरह से नजर आए। आप चेक कर लीजिए आपको कहां पे कनेक्ट करना है, दिस पॉइंट शुड कनेक्ट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे कनेक्ट होना चाहिए और ये पॉइंट कुछ यहां पे कनेक्ट होना चाहिए। और आप देखें यहां पे कनेक्शन हो चुका है। नाउ व्हाट आई वांट यहां पर कनेक्शन करना, तो इसके लिए मुझे यहां से लेकर यहां पे एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है। तो आई एम गोइंग प्लेन, प्लेन थ्रू टू लाइंस, वन लाइन अनदर लाइन। ओके, अगर फाइन यहां पे मेरा प्लेन है, आई पिक दिस प्लेन हियर। अब मैं यहां पे अपनी स्केच बनाता हूं जो मेरी स्केच कुछ इस तरह से है। डबल क्लिक कर रहा हूं, आई एम जस्ट पिकिंग दिस। आप ये जरूर ध्यान रखें कि गाइड्स एंड पॉइंट पे जरूर कनेक्ट रहें। नाउ दिस इज अनदर स्केच फाइव, अब मुझे अगेन दूसरी स्केच चाहिए, तो आई नीड टू गो अगेन चूजिंग द प्लेन, गोइंग इन अ स्केच। नाउ यू कैन कनेक्ट प्लेन, आप एक अलग स्केच बना सकते हैं। डबल क्लिक कर रहा हूं, आई एम पिकिंग दिस एंड मेकिंग दिस कॉइंसिडेंट। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो फिलहाल ये कॉन्साइड नहीं हो पाया क्योंकि इसका पर्टिकुलर लिंक यहां से बन गया, तो आई डोंट वॉन्ट दैट लिंक, तो आई एम गोइंग हियर और ये पिक डिलीट कर रहा हूं, देन आई एम पिकिंग दिस वन, आई एम पिकिंग दिस वन और इसको भी डिलीट कर रहा हूं। नाउ आई कैन कॉन्साइड इट, पिक दिस, दिस राइट क्लिक कॉइंसिडेंस, पिक दिस एंड एट दिस पॉइंट कॉइंसिडेंस। ये सारा कुछ कनेक्ट हो चुका है। तो अगर आप यहां देखें, ये दो आपके सेक्शंस हैं और यहां पे आपके पास चार गाइड्स हैं। इन चारों गाइड्स को अलग प्लेन में बनाने का मोटिव ये है ताकि आप चारों को अलग अलग सेलेक्ट कर सके। नाउ सी, आई एम चूजिंग मल्टी सेक्शन सॉलिड, मेरे सेक्शन क्या है, दिस इज माई फर्स्ट सेक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड सेक्शन। क्लोजिंग पॉइंट जरूर चेक कर लीजिए, दोनों ही एक ही डायरेक्शन पे हैं और एक ही पॉइंट पर हैं। नाउ मुझे बताने की जरूरत है कौन सी गाइड्स हैं। पिकिंग दिस गाइड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, द फर्स्ट गाइड, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ गाइड। नाउ आई एम प्रेसिंग ओके। नाउ इफ यू सी, आई एम एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट।
अगर आप यहाँ देखेंगे सारे फेसेस अलग हैं, यहाँ से यहाँ फेस अलग है, ये अलग सेक्शन है, यहाँ अलग सेक्शन है, इस फेस पे अलग सेक्शन है, यहाँ एक अलग सेक्शन है, यहाँ एक अलग सेक्शन है, यहाँ एक अलग सेक्शन है. सो विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेक्शन सॉलिड वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन विद मल्टी सेक्शन, दैट इज यूजिंग स्पाइन. अगर आप यहां देखें तो वी हैव ऑप्शन स्पाइन, वी कपलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ ऑप्शन इज स्पाइन. नाउ अगर आप यहां देखें जो आपकी गाइड बन रही है ये एक ही प्लेन में बन रही है, दैट दे आर इन अ प्लेनर फ्रेम. नाउ अगर आपको स्पाइन बनाना है तो यहां पे कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो जो प्लेन हो दैट शुड बी प्लेनर. तो लेट्स सी हाउ वी वर्क विद स्पाइन. आई एम टेकिंग अ न्यू फाइल. ओके नाउ फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग अ ट्रेजेक्ट्री. मैं एक पाथ क्रिएट कर रहा हूं जो मेरी स्पाइन बने. तो लेट्स सी इट शुड बी समवट लाइक दिस, कुछ इस तरह से है. नाउ इसके एक एंड पे रेक्टेंगुलर सेक्शन है और दूसरे एंड पर सर्कुलर सेक्शन है और ये एक स्पाइन है जिसके थ्रू ये मूव करेगा. नाउ सी वॉट वी नीड टू डू, यहां पे एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है हमें और यहां पे प्लेन की रिक्वायरमेंट है. वॉट वी नीड टू डू, आई एम क्रिएटिंग अ प्लेन एट हेयर एंड देन आई नीड टू हैव अ प्लेन और एट दिस पोजिशन. ओके नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्केच. मैं यहां पे पहले स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ. पहले मैं सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ. ध्यान रखें कि इस पॉइंट से जरूर कॉन्साइड करें. तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ, क्लिकिंग इट हेयर और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंसाइड कर रहा हूं. जब भी आप स्केच बनाएं आप फुली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएं. ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बताने के लिए, आई एम नॉट यूजिंग फुली कंस्ट्रेंट स्केचेस. नाउ आई एम यूजिंग हेयर सेंट्रलाइज रेक्टेंगल. अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है दैट इज सेंटर रेक्टेंगल, तो आई वॉन्ट प्लेस माई सेंटर ऑफ रेक्टेंगल समवेयर. दिस इज माई पॉइंट. Now I want my center of to be here. मैं कंसाइड कर रहा हूँ इसको. Pick this, right click, instance. तो अगर आप यहाँ देखें, so now we have two profiles here. देखें आप यहाँ से अगर profile को edit करना चाहते हैं तो you can always edit the profile. हमारे पास दो sections हैं यहाँ पे, एक ये section है, एक ये section है और इसके through इसको move करना है. Now let's see. I'm using multi-section solid. This is section 1 and this is section 2. And make sure कि आप यहाँ पे spine में option use कर रहे हैं this. And coupling में जाके आप जरूर यहाँ पे ratio ले लीजिए. And then click OK. We want to make this kind of things. Then you can always use spine. Now this is how we with the help of multi-section solid हम लोग अलग अलग सेक्शन के होते हुए भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं.